पाकिस्तान के भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ने शुक्रवार को पीएमएलएन अध्यक्ष एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को भ्रष्टाचार के दो मामलों में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के प्रवक्ता नवाजिश अली आसिम ने बताया, शहबाज शरीफ शुक्रवार को लाहौर के एक जांच दल के समक्ष उपस्थित थे। आशियाना आवाज योजना और पंजाब साफ पानी कंपनी के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी पसंद की कंपनी को ठेका देने में कथित संलिप्तता के बारे में वो जाँचकर्ताओं को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आसिम ने बताया कि शहबाज की हिरासत की मांग के लिए उन्हें शनिवार को एक जवाबदेही अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज कथित रूप से 14 अरब रुपए की आशियाना आवाज योजना और 4 अरब रुपए के पंजाब साफ पानी कंपनी घोटाले में संलिप्त हैं। साफ पानी कंपनी मामले में शहबाज के निकट रिश्तेदार अली इमरान यूसुफ भी पूछताछ का सामना कर रहे हैं। वो ब्रिटेन भाग गए हैं और नेब ने गृह मंत्रालय को इंटरपोल के माध्यम से स्वदेश वापस लाने के लिए लिखा है।